अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल जी, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा। और अभी जो व्लॉग आने वाले हैं हमारे, वो एक व्लॉग डल चुका था, लेकिन उसके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट नहीं पार्ट टू से पार्ट फोर तक हमारी जो व्लॉग है वो टूट गया, मतलब मेरा फोन टूट गया तो व्लॉग नहीं आ सकेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी न्यूली स्टार्ट करेंगे दोबारा से अपना सेटअप करके। और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरा फोन टूट गया, काम पे टूट गया था मेरा फोन, तो गिरने की वजह से टूट गया। अब बैक एंड फ्रंट का दोनों तरफ का शीशा टूट गया था। तो आईफोन 11 मैंने कब से रखा हुआ था, तो आज मेरे लिए गुरी लेके आए हैं, बहुत अच्छा वाला आईफोन लेके आए हैं। मैं आप सबके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी और आप सब मुझे बताना कि मेरा गुरी मुझसे कितना प्यार करता है। ठीक है, ये जी मेरे लिए गुरी फ़ोन लेके आया हुआ था, तो अभी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। वो बोलते हैं मैं आज व्लॉग में नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी काम करके आए हैं ना, तो आते हुए वहाँ से मेरे लिए फ़ोन लेके आए हैं। देख लो आप लोग, ये फ़ोन मेरे लिए वो लेके आए हैं, और ये देख लो आईफोन लेके आए हैं, 15 प्रो मैक्स लेके आए हैं मेरे लिए। और आप सबके साथ शेयर करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये फ़ोन आता है, वाह क्या फीलिंग है। वो देखो मेरे लिए वो भी लगा के आए हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा के आए हैं, उनको पता है कि फिर गोलू टेंशन में आ जानी है। और ये देखो जी, और इसके साथ इसका नया चार्जर है, और इसके अंदर सेफ्टी पिन, इसकी पिन है एक, वो जो मोबाइल खोलते हैं, और ये उसके साथ बताया हुआ है क्या है क्या नहीं है आईफोन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मेरे लिए गुरी लेके आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब मेरा बैकअप नहीं हुआ हुआ था उस फ़ोन का, इसीलिए व्लॉग नहीं आ सकेगा क्योंकि बैकअप नहीं था। तो आप लोगों को अगर गुरी के बारे में नहीं पता, तो गुरी ऐसा है कि अगर मैं किसी बात को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन में हूँ ना, तो वो मुझे टेंशन में नहीं रहने देता। अगर जैसे कि अभी फ़ोन की टेंशन मुझे पड़ गई थी मेरे डेटा की, तो उन्होंने जाके सुबह सबसे पता किया। तो मैं थोड़ी सी भी टेंशन लेती हूँ ना, तो बुरी टेंशन में आ जाते हैं। वो सुबह के निकले हुए थे और सुबह हर जगह पता किया, एप्पल केयर में पता किया, एप्पल केयर वालों से पता किया, तो वो बोलते हैं नहीं हो सकता रिपेयर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। बाहर पता किया तो वहाँ से भी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी सारा डेटा उसमें था। मैंने कहा बुरी मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए, मेरा डेटा सारा उसमें है, मैं कोई भी चीज़ यहाँ से उधर नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला फिक्र मत करो, मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैं रोई जा रही हूँ, और वो रब उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे और उनको बहुत खुश रखें। वो जब से मेरे साथ ऐसे ही हैं, अगर हम कहीं पे बैठ जाते हैं, ही डोंट लेट मी पे, ही डोंट लेट मी डू एनीथिंग, वो इतना ज़्यादा मेरा करते हैं। और लाइफ में मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर मुझे लाइफ पार्टनर मिल सकता है क्योंकि मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अगर कोई खाने वाली चीज़ है ना, तो लेबल भर के लेके आएंगे, वरना वो ऐसी चीज़ उठा के ही नहीं लेके आएंगे। और कुछ होते हैं ना मार्केट में इंग्रेडिएंट्स, मतलब कुछ भी होता है जैसे कि उसमें मिलावट है, इंजेक्शन का कोई खाना बेच रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के फ्रूट्स को बड़ा किया जा रहा है, तो वो भी नहीं लेके आएंगे। वो पढ़ेंगे कहाँ से आई हुई है कहाँ से नहीं, बंदे से सवाल जो आप करके मेरे लिए लेके आते हैं। और अभी वो मुझे बुला रहे हैं तो मैं उनके पास जा रही हूँ, और फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या क्या नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आईफोन अच्छा लगा होगा, और गुरी का ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सो रही थी, परेशान थी घर पे, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं सो रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा व्लॉग, मेरे लोग वो मेरा वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बुके के साथ, विद बुके लेके आए हैं मेरे लिए, और साथ में आईफोन लेके आए हैं मेरे लिए। और अभी वो शूट में आज इस वजह से नहीं आ सकते क्योंकि वो नहाने चले गए हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो ये देखो, ये गुरी ने लगाया हुआ है हमारे घर में। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग, लाइक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बैकअप नहीं हुआ हुआ था। गुरी के फ़ोन पे बैकअप हुआ हुआ है, लेकिन मेरे फ़ोन पर कोई थोड़ा सा भी बैकअप मैंने नहीं किया, मुझे लगा कि लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पड़ गई। एंड नए नए व्लॉग आने वाले हैं, आप लोग ज़रूर बताना कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और अभी अभी तो इन दिनों तो थोड़े शूट आएंगे,
बट आगे जाके हमारे ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि आज की थोड़ी टेंशन थी तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर सकी। इस वजह से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना। और ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। बाय।